कि आप चाइना में स्टडी करते हो और अभी अपने कंट्री में फंस गए हो और चाइना वापसी आना चाहते हो, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं कर रही वापस आना, या आपने चाइना में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और आपकी सिलेक्शन भी हो गई है और आप चाइना के लिए जो है वो अपनी फ्लाइट बुक कराना चाहते हो, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी ने बोला है कि अभी आप वेट करें और ये सेमेस्टर जो है वो आप ऑनलाइन पढ़ें। अगर आप इन सवालों को लेकर परेशान हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो क्या है और आप लोग कब वापस चाइना आ सकते हो। तो मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो जरूर अभी तक मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो शेयर करता हूं उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं इस वक्त चाइना में हूँ, मैं जिस सिटी में हूँ उसका नाम है गुइलिन, जो कि चाइना के साउथ ईस्ट में वाके है और ग्वांगशी प्रोविंस है हमारा। तो आजकल की मैं सूरत हाल आपको बताते चलूँ यहाँ पे कोरोना वायरस की, तो यहाँ पे जो है वो कोई भी केस नहीं है कोरोना वायरस का, तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 6-7 महीनों से यहाँ पे कोई केस नहीं है। शुरू में जब कोरोना वायरस फैल रहा था उस टाइम पे कोई 1 या 1.5 महीने तक यहाँ पे जो है वो हालात खराब थे, कुछ केसेस आए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारे प्रोविंस में और हमारे सिटी में यहाँ पे हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ये सब कुछ खुल गई है मामूल के मुताबिक है और सितंबर में जो है वो नए तालीमी साल का आगाज भी होना है, तो उसके लिए जो है वो सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तो बात करें फॉरेन स्टूडेंट्स की जो इस वक्त चाइना में मौजूद नहीं है बल्कि अपने अपने कंट्रीज में वापस गए हुए हैं सर्दियों की छुट्टियों की वजह से या कोरोना वायरस उस टाइम पे फैल रहा था, तो डर की वजह से भी काफी लोग अपने मुल्क अपने घर गए थे, तो उनके लिए जो है वो चाइना की अभी तक कोई भी ऐसी पॉलिसी जो है वो वाजे नहीं आई। अलबत्ता उन्होंने कुछ हिंट दिए हुए हैं कि टाइम बिंग तक वो लोग वापस नहीं आ सकते। जैसा कि आपको याद होगा और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि चाइना में उस टाइम पे जब कोरोना वायरस के हवाले से काफी सूरत हाल खराब हो चुकी थी, तो चाइना ने बैन अल-अक़वामी परवाजों पे और बैन अल-अक़वामी जो लोग वहां से आ रहे थे दूसरे ममालिक से उन पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये पाबंदी 28 मार्च को लगाई गई थी और 28 मार्च से पहले जितने भी वीजा लोगों को जो है वो दिए गए थे उन पे मुकम्मल पाबंदी लग गई थी। कोई भी वीजा हो, X1 हो, X2 हो, फैमिली वीजा हो, स्पाउस, जो भी वीजा हो, सब पे पाबंदी लग गई थी, कोई भी फॉरेनर जो है वो चाइना नहीं आ सकता था। लेकिन आस्ता आस्ता उन्होंने जो है वो कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को और कुछ जो है वो हाईली प्रोफाइल जो लोग हैं उनको चाइना में आने के लिए अलाउ किया था। तो सबसे पहले चाइना ने साउथ कोरिया के बिजनेस कम्युनिटी को अलाउ किया था, उसके बाद फिर जापान, सिंगापुर और काफी फिर यूरोपियन ममालिक के जो है वो कंट्रीज उसमें शामिल है जो लोग चाइना आए थे उस टाइम, और उसके बाद फिर इंडोनेशिया और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया, जिसमें पाकिस्तान की भी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी और वो लोग जिनकी यहाँ पे फैमिलीज हैं चाइनीज फैमिलीज जिनकी यहाँ पे शादी है और यहाँ पे उनके बच्चे हैं, तो उन लोगों को उन्होंने अलाउ किया था कि वो वापस चाइना आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पिछले जो है वो 2-2.5 महीनों से ये परवाजें PIA की चल रही है और काफी हमारे लोग जो पाकिस्तान में फंस गए थे जिनकी यहाँ पे फैमिलीज हैं और यहाँ पे जो बिजनेस करते हैं तो वो लोग जो है वो आ रहे हैं। PIA की परवाजें जो है वो हर महीने तकरीबन कोई 2 या 3 आ रही है चाइना, और यहाँ से चाइना से भी जो लोग जाना चाहते हैं तो वो उन परवाजों के जरिए वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। बात करें फॉरेन स्टूडेंट की जो यहाँ पे फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे स्टडी करते हैं उनकी, तो इस हवाले से चाइना की कोई भी अभी तक पॉलिसी जो है वो वाजे नहीं है। अलबत्ता जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से पिछले दिनों एक नोटिस आया था कि उन्होंने बोला था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से रابطे में आए, क्योंकि उनको जो है वो काफी मैसेजेस और लेटर्स और काफी जो है वो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने पाकिस्तानी लड़कों ने और काफी जो है वो ममालिक ने ग्रुप ममालिक के लड़कों ने जो है वो ग्रुप्स में मुख्तलिफ जो है वो इसे मैसेजेस दिए थे, तो उन्होंने ये नोटिस भेजा है कि आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से रابطे में आए, आपको अपनी यूनिवर्सिटीज वाले जो है वो ज्यादा गाइड कर सकते हैं। उसके बाद काफी यूनिवर्सिटीज ने भी जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे या ऑफिशियल अपने ग्रुप्स में जो है वो ये नोटिस भेज दिया है कि आप लोग जो है वो टाइम पिंग तक आप चाइना वापस नहीं आ सकते, तो वेट करें, क्योंकि काफी लोगों की जो है वो CSE में भी सिलेक्शन हो गई है, तो CSE ने भी जो है वो CSE पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स को जिनकी सिलेक्शन हुई है उनको भी ईमेल कर दिया है कि आपका जो फॉल वाला जो सेमेस्टर होगा, अगला जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो वो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, तो अगर आप एग्री हैं तो हमें जो है वो आप ओके लिख के भेजें तो हम आपकी जो है वो फर्दर प्रोसेस करें एप्लीकेशन को। तो ये सूरत हाल है। और मैं आपको बात बताऊं हमारी यूनिवर्सिटी की, तो हमारी यूनिवर्सिटी का भी जो है वो कल एक लेटर आया है, एक नोटिस आया है, उसमें उन्होंने ये बताया कि आप लोग जो है वो टाइम बिंग तक वापस नहीं आ सकते। तो टाइम बिंग ये जुमला ऐसा है जिसकी कोई भी एंड नहीं है, पता नहीं है कि ये कब तक जो है वो खुल सकता है, क्योंकि ये जुमला जो है ये वर्ड जो है टाइम बिंग ये हम मार्च से या फरवरी से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तकरीबन 8-7 महीने गुजर गए हैं
और अभी तक जो है वो उसका कोई भी इख्तिताम नहीं आया। तो मुझे लगता है कि इस वर्ड से हमको यही लगता है कि ये सेमेस्टर जो अगला आ रहा है इसमें कोई भी चांसेस नहीं है फॉरनर स्टूडेंट की वापसी के। अलबत्ता ये मुमकिन है, ये पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग जो है वो जो अपने कंट्रीज में हैं वो मार्च 2021 तक आ सकते हैं, लेकिन उसकी भी जो है वो कोई भी अभी तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिली। लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है वो मार्च 2021 तक आपकी वापसी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सितंबर में जो है वो नए तालीमी साल का आगाज हो रहा है। तो नए तालीमी साल के जो सेमेस्टर होगा फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसमें कोई भी ये जो है वो रुकावट पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे हैं और कुछ अपने कंट्रीज गए हुए हैं, तो ये लोग क्लासेस ऑनलाइन बायकायदा स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ही वो आपको इजाजत दे दे और आपको नोटिस भेज दे कि आप वापस आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है वो कतई न चाहेगी कि आप लोगों के जो है वो डिस्टर्बेंस हो, आपकी जो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि आप लोग फिर वीजा लगवाने जाओगे, क्योंकि काफी लोगों के वीजा भी एक्सपायर हो चुके हैं। तो आप लोग वीजा लगाने जाओगे एम्बेसी वगैरह और वहां पे अपनी तैयारी करोगे, वापस टिकट वगैरह कराओगे, आओगे, तो उसमें काफी जो है वो टाइम जाता है। तो अगर इस टाइम को हम अगर देखें तो 2 महीने कम से कम लगते हैं, तो 2 महीने आप लगा लो तो आधा सेमेस्टर तो इन चक्रों में जो है वो गुजर जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ये कतई न चाहेगी कि आप लोग जो है वो अपने सेमेस्टर के दौरान ये काम जो है वो सरंजाम दें। तो इसलिए जो है वो ये पॉसिबिलिटीज है कि आपको जो है वो मार्च 2021 तक जो है वो यहाँ पे आने की इजाजत मिल सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा अपना जाती एक जो है वो तजिया और मेरी यूनिवर्सिटी के हवाले से मैंने आपको अपनी अपडेट बताई, और काफी यूनिवर्सिटीज ने भी ये नोटिस निकाले हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट में आइएगा, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस हफ्ते में या जो है वो 15 दिनों में फाइनल नोटिस आपको सेंड करेगी। तो आप प्लीज अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ते में आइएगा, और मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी वो आप लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वीजा लगवाना यहाँ से JW निकलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% लोगों के जो है वो वीजा एक्सपायर हो चुके हैं। तो यहाँ से JW निकलेंगे, JW जाएंगे, पहुंचेंगे, वहां पे आप वीजा लगवाओगे, तो ये जो है वो 2 महीनों का जो है वो एक लंबा प्रोसेस है। और आजकल फ्लाइट्स भी जो है वो बहुत ही कम चल रही है, और उसके अलावा जो है अगर आप चाइना वापसी आ जाते हो तो आपको जो है वो अपने कंट्री में न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो अगर आप चाइना पहुंच जाओगे तो यहाँ पे भी आपको न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवाना पड़ेगा, और 14 दिन के लिए आपको जो है वो आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइसोलेशन में रहने का जो तरीका है वो बहुत ही, मतलब कि आप ऐसा समझो कि आपको बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, आपको होटल में रहना पड़ेगा, और उस होटल की जो चार्जेस है वो एक दिन की 600 RMB से लेके 1500 RMB तक है। तो आप अभी अंदाजा लगा लें कि एक दिन के 600 RMB कम से कम, और 14 दिन के अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द हालात ठीक हो जाए और यूनिवर्सिटीज की तरफ से जो है वो जल्द नोटिस मिलना शुरू हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये काम जो है वो मार्च से पहले हो जाए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं लगती, लेकिन फिर भी जो है हम दुआ कर सकते हैं। तो ये थी आज तक की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जो है वो कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो शेयर करता हूं उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।